अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम उसामा रऊफ है और आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन कराची के 2-बेड 3-बेड और 4-बेड अपार्टमेंट की, जो कि बैरिया के मेन एंट्रेंस गेट पे ही मौजूद हैं, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट की ड्राइव के ऊपर। ये टोटल 26 टावर्स हैं जिनमें मैक्सिमम बैरिया ने 2-बेड के अपार्टमेंट दिए थे। तकरीबन टावर 1 से लेकर एंड तक आपको 4 टावर छोड़ के सब में ही 2-बेड मिल जाते हैं। 3-बेड के यहाँ पे 3 टावर्स हैं और 4-बेड काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड दिए थे, 4-बेड का सिर्फ एक ही टावर है। साइजेस की बात करें तो बैरिया ने 2-बेडरूम अपार्टमेंट यहाँ पे 950 स्क्वायर फिट का दिया था, 3-बेडरूम अपार्टमेंट यहाँ पे 2250 स्क्वायर फिट का दिया था और 4-बेडरूम अपार्टमेंट तकरीबन 2600 से 2800 स्क्वायर फिट के दरमियान था। ये तकरीबन आबादी वाला एरिया है, यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज रह भी रही हैं। यहाँ पे 24/7 तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस, यहाँ पे हर चीज़ 24 घंटे अवेलेबल है, सिक्योरिटी बैरिया की तरफ से। यहाँ पे बैरिया ने एम्पल कार पार्किंग भी दी हुई है, तो हर फैसिलिटीज़ इस एरिया में लोगों को बैरिया ने प्रोवाइड की है। रेट्स की बात करें तो 2-बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट इस टाइम 18,000 से लेकर 22,000 के राउंड अबाउट है और प्राइस की बात करें तो 2-बेडरूम अपार्टमेंट विद की वाला आपको 75 लाख रुपए से लेकर 90 लाख रुपए तक मिल जाता है एज़ पर लोकेशन वाइज। और अगर हम टावर 25 या 26 की बात करें तो यहाँ पे ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, इधर आपको प्राइस मिल जाती हैं तकरीबन 68 लाख रुपीस से लेके 72 लाख रुपीस के अराउंड। 3-बेड अपार्टमेंट की प्राइस तकरीबन 1.90 करोड़ से लेकर 2.20 करोड़ तक है एज़ पर लोकेशन वाइज। और 4-बेड अपार्टमेंट की प्राइस की अगर बात करें तो ये वैसे तो अवेलेबल काफ़ी कम है क्योंकि एक ही टावर है, लेकिन ये 2.5 करोड़ के राउंड अबाउट आपको मिलेंगे। 2.40 करोड़ से लेके 2.60-2.70 करोड़ तक लोग डिमांड करते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत कम है। यहाँ अपार्टमेंट के रेट्स इस टाइम काफ़ी कम और मुनासिब हैं, तो ये जो लोग रेंटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या यहाँ पे रिहाइश करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस उनके लिए काफ़ी बेहतर हैं। तो जो लोग अपार्टमेंट पे इंटरेस्टेड हैं या ऑल ओवर पूरे बैरिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।